जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, रंगों के पर्व धुलेटी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, रंग व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं और हर रंग का अपना महत्व है। आज मैं इन्हीं महत्व के बारे में आपको बताने वाला हूं और यह भी बताने वाला हूं कि इन रंगों से व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन में धन अर्जित कर सके। ये जो होली का पर्व है, ये काफ़ी विशेष होता है और इस होली के पर्व में यदि आप ये काम करते हैं तो आप यकीन मानिए कि अपने जीवन में काफ़ी सक्सेस होंगे। इन रंगों को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया और इन रंगों से यदि आज के दिन आप होली खेलते हैं, किसी को रंग लगाते हैं सच्चे भाव से, सच्चे मन से, तो आप देखेंगे कि यह रंग आपकी किस्मत बदल देगा, आपके जीवन में नया सवेरा लेकर के आएगा और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खोल देगा। दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे, तेज़ी से पहुँचेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ कि धुलेटी के दिन आप किस रंग से होली खेलें, होली मनाएं या रंगोत्सव मनाओ कि जिसके वजह से आपके घर में पैसा आने लग जाए, खुशियाँ आने लग जाए। तो दोस्तों, दो रंग काफ़ी महत्व के हैं आज के दिन। एक तो है लाल रंग, जो शक्ति का प्रतीक है और व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में सफल होने के लिए शक्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो एक उसको लाल रंग पसंद करना चाहिए कि लाल रंग आपको जो खोया हुआ आपका विश्वास है वो लौटाता है, क्योंकि तब आप तभी सफल होंगे। कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि आप यदि जीवन में निष्फल हो रहे हैं, लगातार यदि आपको नाकामयाबी हाथ लग रही है, तो आपका विश्वास अपने आप से ही हट जाता है। इस विश्वास को दोबारा प्राप्त करने के लिए यदि किसी रंग का आप सहारा लेते हैं तो वो लाल रंग है, जो व्यक्ति के अंदर शक्ति भर देता है, एक विश्वास पैदा करता है, खुद पर भरोसा पैदा करता है। तो इस रंग से आपको खुद पर भरोसा होगा, जो अत्यंत आवश्यक है। दूसरा रंग है पीला रंग। पीला रंग दोस्तों पैसे का रंग है, इसको लक्ष्मी का रंग भी माना जाता है। यदि आपके पास में पैसे नहीं हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि आपका जो घर है उसका मुख्य कमरा या फिर जहां आप पैसा रखते हैं उस कमरे को यदि आप हल्के पीले रंग से रंगते हैं, उन कमरों में यदि आप उनमें से किसी भी एक कमरे में या दोनों कमरों में हल्का पीला रंग यदि आप लगाते हैं तो देखेंगे कि एक साल के अंदर अंदर आपके दिन बदल जाएंगे। तो पीला रंग बहुत ही महत्व का है, यदि पैसों के माध्यम से आप देखें तो, पैसे के नज़रिए से देखें तो पीला रंग, और शक्ति के लिए, खोया हुआ विश्वास दोबारा प्राप्त करने के लिए आपको लाल रंग का सहारा लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इन रंगों का खेलने का प्रारंभ करें तो सबसे पहले इन रंगों को आप जिस किसी भी देवी देवता को मानते हैं उनके चरणों में अर्पित करें, अपने बड़े जनों को पैरों में रंग लगाएं, अर्पित करें। इसके बाद में आप इस रंग से रंग उत्सव मनाना प्रारंभ करें, होली खेलना प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि एक ही दिन में आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आप प्राप्त करेंगे, एक नया इंसान आपको आपके अंदर मिलेगा, जिसको खुद पर भरोसा हो जाएगा कि हाँ, अब मैं जीवन में सफल हो पाऊँगा, अब ये इस काम को मैं संपूर्ण विश्वास के साथ करूँगा और यह काम में मुझे मन चाहे सफलता मिलेगी। और जब व्यक्ति कोई काम पैसा कमाने के उद्देश्य से करता है, संपूर्ण मन लगाकर करता है, खुद पर उसको भरोसा होता है, तो उस काम में उसको सफलता भी अधिक मिलती है और उसको पैसा भी अधिक मिलता है। तो आज के दिन दोस्तों लाल रंग और पीला रंग, इसी रंग से होली खेलने का प्रारंभ करें, पूरा साल आपका बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।